Please subscribe to KidZone YouTube channel for more fun kids content. And don't forget to press the bell icon to never miss an update. ऐसी ट्रैप पहले कभी नहीं की। तुम एंजॉय कर रहे हो? माफ करना राइल, मेरी गलती नहीं। हम लोगों को यहीं पर स्टे कर लेना चाहिए। फिर से वही कैन फूड? जितना खाना हम घर से बना के लाए थे वो तो सब खत्म हो चुका है। हे गाइस, देखो हमें क्या मिला। आई हेट मशरूम्स। तुम्हें मशरूम्स नहीं पसंद? सॉरी गाइस। हाँ बॉट, क्या हुआ, तुम्हें भी मशरूम्स नहीं पसंद? मैं सॉरी इसलिए कह रही हूँ कि तुम लोग ये खा नहीं सकोगे, ये जहरीले हैं। इन मशरूम्स को खाने के बाद दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। क्या कहा, तुम सीरियस हो? हाँ? तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, इसका कहना ये है कि इसको बनाने वाला कोई और नहीं, लॉर्ड अल्टोबो है। मेरा मतलब है मिस्टर के भी वहाँ पे मौजूद थे। मिस्टर के? मिस्टर के ने लॉर्ड अल्टोबो को मकैडमस बनाने का सारा प्रोसेस सिखाया होगा। खास तौर पर जब वो जानते हो कि ये दुनिया को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करेगा। ब्लैक पिरियड ने मिस्टर के से जबरदस्ती वो फॉर्मूला लिया होगा। डैड, कहीं ब्लैक मिरर आपको तकलीफ तो नहीं दे रहा? मेरा ख्याल है इसे थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए, ये सही रहेगा। सच कहूँ तो मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। वैसे इस वक्त ये कहाँ जा रहा है? लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है। असल में ये मिस्टर के बारे में है। मिस्टर के बारे में क्या? अल्टोबो ही मिस्टर के है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि मिस्टर के अलावा कोई भी इस काबिल नहीं कि मेकाडिमल बना सके। हो सकता है कि मेरा अंदाजा गलत हो। नो वे, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे डैड अल्टोबो नहीं हो सकते। ये सब क्या है? डैड, मॉम, हैप्पी बर्थडे डियर जेसन। पर आज तो मेरी बर्थडे नहीं है डैड। आज तुम पूरे 3 साल के हो गए हो। ओ मेरा गिफ्ट, थैंक यू डैड। वाओ जबरदस्त, इसका नाम है एविन। मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा जेसन। ये मत खाइएगा, इन मशरूम्स में पॉइजन है। तुम ट्राई नहीं करोगे? आप तो ठीक हैं। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भी उसे कहीं नहीं देखा। मैंने भी उसे बहुत ढूंढा। एक ट्राई और करते हैं, लेकिन इस बार सब अलग अलग जाएंगे। डैड, क्या अल्टोबो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? अल्टोबो? आपका चेहरा मशरूम से भर गया है। क्या बात है, इतना क्यों डर रहे हो? मजाक कर रहा था। चलो मेरे साथ, हम घूम कर आते हैं। लेकिन डैड ये खतरनाक है। घबराओ नहीं, सब ठीक है जेसन। ये तो एविन है। जेसन, इसे होश आ रहा है, आंखें खोल रहा है। हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे थे। तुम्हें यहाँ आकर सोने की क्या जरूरत थी? लगता है इसने बहुत ही खौफनाक ख्वाब देख लिया है। कोई आइडिया है कि ये कौन है? वो जो भी है मगर बहुत जल्दी में लगता है। क्या ये, क्या मजाक है ये? अल्टोपो। मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं स्फिंक्स को वापस लेने आया हूँ। स्फिंक्स ऑलरेडी हमारी टीम का हिस्सा बन चुका है। इसका मतलब है कि फिर लड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो स्फिंक्स? ऑलराइट स्फिंक्स, हम साथ लड़ेंगे। तुम ये कर सकते हो स्फिंक्स। इसके लिए तो मैं ही काफी। मेगा टारेक्स, स्फिंक्स का पार्टनर। स्फिंक्स, तुमने गलती की मुझसे दूर भागने की। तुमसे दूर रहने का फैसला मेरा था, लेकिन इसका अंजाम बुरा होगा। तुम हमें नहीं हरा सकते। तुम नहीं बचोगे अल्टोबो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये सच हुआ तो? अब मेरा मूव देखो। चलो इसका जवाब बताओ बेबल। 4 टांगे मॉर्निंग, 2 दोपहर में और रात को 3। ये मिस हो गया। 4 legs मतलब बेबी, 2 legs जब बेबी बड़ा हो जाता है। तो वो कौन होता है जो बच्चों का ख्याल रखता है? उसके माँ बाप और कौन? तो क्या तुम्हारे बच्चे हैं? पता नहीं, मुझे लगता है कि अल्टोबो ही मिस्टर के हैं। क्या तुम मेरे
मेरे डैड हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? बेकार की बात मत करो और ना ही इतना सोचो। कैसा लगा मेरा अटैक? ये कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना स्ट्रिंग्स? तुमने जवाब नहीं दिया मुझे कि ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update.